नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बसपा मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता सरोज कुमार यादव सर्वसम्मत चयन। सुशासन आ समृद्धि के लिए सजिया प्रतिबद्धता से पूरा कर सब दल की एक माह में ठाड़ हो प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान। देशक अर्थतंत्र गंभीर अवस्था में रह एमाले अध्यक्ष ओली के कथन, राजस्व उपयुक्त तरीका से नहीं उठल कहब। गणतंत्र देशक लेल नया विषय नहीं भेल, जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउतक कथन, गणतंत्र के पुनर्स्थापना मात्र भेल जिकिर। आ ग्लोबल IME बैंक आ बैंक ऑफ काठमांडू बीच एकीकृत कारोबार शुरू, समृद्धि के अभियान में बाधक रहल नीति बदलवाक प्रधानमंत्री कथन। अब समाचार विस्तार में। जनता समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता में सरोज कुमार यादव सर्वसम्मत चयन भेल छथि। मध्य प्रदेश सभा के निवर्तमान सभामुख समेत रहल यादव 12 जिला से प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छथि। 2074 साल में तत्कालीन भाजपा से निर्वाचित भक सांसद आ सभामुख बनल। ओ जसपा फुटित काल उपेंद्र यादव नेतृत्व के जसपा में पहुँचल छथि। अई बेर सेहो ओ जसपा से चुनाव जीतल छे। दलक नेता में वर्तमान मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ यादव के उम्मीदवारी पड़ल छल, मुदा बाद में राउत आ यादव बीच भेल वार्ता में सहमति जुटला बाद राउत यादव के समर्थन कयने छथि। संसदीय दलक नेता भेल यादव मुख्यमंत्री बनबाक प्रबल संभावना समेत रहल छै। नया सत्ता गठबंधन में मधेशक मुख्यमंत्री में जसपा आ जनमत बेराबाड़ी पैबाक आ पहिने जसपा पैबाक सहमति जुट चुकल छै। सभामुख में MLA आ उपसभामुख में जनमत पैबाक कहल गेल छै। जनकपुर धाम में मिथिला मंडला फ्यूजन आर्ट शो सम्पन्न भेल छै। फुलवाड़ी नेपाल जनकपुर धाम के आयोजना में रवि दिन भेल शो में मिथिला मंडला फ्यूजन सहित के हाथ से रचल कलाकृति पेंटिंग से प्रदर्शन कयल गेल अछि। कलाकृति फुलवाड़ी नेपालक अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया निवासी मंडला आर्ट कलाकार शिल्पी शाह गुप्ता बनौने छलथि। जनकपुर धाम में मिथिला आर्ट सीख के बनाओल गेल मिथिला मंडला फ्यूजन आर्ट के चित्र सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख मनोज कुमार शाह अवलोकन करैत मिथिला आर्ट में बढ़ल ई आधुनिक कला से एकर बाजार विस्तार हेबाक बतौलन। ओहि में जे सुधार कर जाए छी त कहै छी मॉडर्न भ गेल, लेकिन अगर वास्तव में समय के साथ प्रवृत्ति के साथ अखन अपना सब रिलाइट भ रहल छी, जेना प्रवृत्ति के साथ जाबे नै जुड़बै त ओ जीवन में आगा नै बढ़ सकै छी। ती आर्टो में अगर आगा बढ़ के लेल विभिन्न किस्म के सुधारात्मक जे काज भ रहल छै तै के लेल उनका हम धन्यवाद देबे चाहै छी। फुलवाड़ी नेपालक अध्यक्ष एवं चित्रकार गुप्ता प्रस्तुत आर्ट के अपना अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सहित विदेश में बाजारीकरण करवाक आ मिथिला के पेंटिंग के और आकर्षक बनाव योजना सहित अपना सब लागल बतौलन। First December to from the 1st January till 7th of January एक हफ्ता भित्र मैले दुईटा टीचर हायर गरेको थिए। एउटा टीचर ले मलाई वेरी ट्रेडिशनल मिथिला आर्ट सिकाउनु भयो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले त्यो मिथिला आर्ट पछाडि हेऱ्यो भने विचार त्यो नाक र आँखा र त्यो लिप्स छ त्यो टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो मिथिला आर्टको। अनि अर्को टिचर सोनीले मलाई मोडर्न मिथिला आर्ट सिकाउनु भयो। उहाँले सिकाएको मोडर्न मिथिला आर्ट वाज भेरी फाइन आर्ट। तपाईँले त्यो मोडर्न मिथिला आर्ट हेर्दा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने त्यसको लिप्स नोज होइन अनि अलिकति त्यो साडीको डिजाइनहरू अलिक डिफ्रेन्ट छ, त्यो चाहिँ मोडर्न मिथिला आर्ट भयो। कलाकार शिल्पी शाह गुप्ता जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाहक सुपुत्री अछि। पूर्व मेयर शाहक बेटी मिथिला कला के विकास विस्तार आ हितक लेल कयने नया प्रयास के प्रशंसा कयलन। मिथिला पेंटिंग के कोना शुरुआत भेल प्रसंग ध्यानाकर्षण करबैत ओ आधुनिक युग में मिथिला मंडला फ्यूजन सहित के आर्ट के बाजार बढ़ल बतौलन। पेंटिंग एक हफ्ते छै हमरा दिन 10 दिन मिली है, 10 दिन में जे उस शक्ल से बनल कै कि पापा हमरा एक संस्था में दै संस्था जे फुलवाड़ी नेपाल के नामकरण दै छु अपने एकटा हमर सबके एकटा फुलवाड़ी छै जमाना के फुलवाड़ी छै। बचपन में जे छै ओकरा इंस्पिरेशन भेल छै कि आम के गाछ छलै एकदम एकदम जे छै जामुन के गाछ छलै विभिन्न किस्म के आम के जे होइ छै बम्बई मालदे बिजू ई सब तो बचपन में सब देखले छलै खाइ छलै तो फुलवाड़ी नाम राखे के जे छै ओकरा प्रेरणा भेल मन में ये फुलवाड़ी नेपाल के संस्था के नाम राखब तो अई किस्म से जे छै फुलवाड़ी नेपाल संस्था के
नाम राखल गए भरल तो अपने सबके सब जानकारी होती कि मिथिला पेंटिंग कोना आल बड़ा पूर्व से प्राचीन काल से प्रदर्शनी कार्यक्रम में जनकपुर धामक मिथिला आर्ट समद चित्रकार सब नागरिक समाज के अगुआ सब विद्यालय के शिक्षक तथा विद्यार्थी सब सहित के उपस्थिति छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल जनता संग निर्वाचन के समय कैल गेल सुशासन आ समृद्धि के सजिया प्रतिबद्धता सब पूरा कर सब राजनीतिक दल सब के एक ठाम में ठाड़ होवा आह्वान कलन है। निकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री दहाल सोम दिन से शुरू भेल प्रतिनिधि सभा के पहल बैठक में राजनीतिक दल सब सोझा जनता के अपेक्षा उपराग आ चिंता के तत्काल संबोधन करते आगा बढ़ना के विकल्प नहीं भेल बतौलन। मैं अधिवेशन लाई पहिलो संबोधन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्व को महसूस भएको छ। म नवनिर्वाचित सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी आज लोकतन्त्रको यो मन्दिरमा छौँ तर यसका जगमा हजारौँ महान शहीदहरूको बलिदान छ। बेपत्ता पारिएका घाइते बनाइएका जेल नेल सहेका हजारौँ कर्मवीरहरूको त्याग र तपस्या छ। उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँहरूले देखेका सपना पुरा गर्न निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पनि। प्रधानमन्त्री दहाल प्रतिनिधि सभामा नयाँ दल सभाको प्रवेशके अपना लोकतन्त्र आ नागरिक सम्प्रभुताके जितके रूपमे लेने आ संसद आइके नयाँ पूँजीके रूपमे लेल जेबाक बतौलनि। ओ राजनीतिके भावना आ उत्तेजनासँ दूर आर्थिक समृद्धि के महाअभियान में केन्द्रित कर सेहो सब राजनीतिक दल सबके आग्रह कलन। हमी सुशासन दिन सक्छौं या सक्दैनौं, जनता को जीवन में सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं या सक्दैनौं, यो संसद हाम्रो परीक्षा को केन्द्र पनि हो। जनताले हामीबाट असाधारण संकल्प को अपेक्षा गरेको छ। परम्परागत अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौ। हामीले बिर्सन हुँदैन, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौं। यो आवश्यकता के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय लेवाक आ भेल मतभेद सब मर्यादापूर्वक ढंग से हल कर संसद के सफलता मिलवाक विश्वास समेत ओ व्यक्त कलन। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देशक अर्थतंत्र गंभीर अवस्था में रहल बतौलन। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के पहल बैसार में ओ एना बतौलन। उदेश में राजस्व उपयुक्त तरीका से उठ नहीं सकल आ बहुत वर्ष बाद राजस्व असूली माइनस में गेल बतौलन। ओ गणतंत्र ऋणात्मक भेनाई गंभीर विषय भेल सेहो बतौलन। ओ वैदेशिक मुद्रा के संचिति भयानक अवस्था में रहल, आयात करबाक स्थिति नहि रहल आ निर्यात होवे वाला वस्तु के उत्पादन घटना के संगे उद्योग सब बंद भ रहल बतौलन। दर्शील हुनु पर्दछ र तत्काल यस्ता कुराहरूलाई संबोधन गर्नुपर्छ। जनता के गर्दा प्रचार हुन्छ भन्ने होइन, के गर्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ, के गर्दा काम हुन्छ। काम प्रारम्भ गर्ने यस पहिलो दिनबाटै अठोट गर्नु परेको छ। पहिलो दिनबाटै हामी सफल सांसद हुनेछौँ, संसदको गरिमा बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ, संसदको सफलता बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ र यस प्रतिनिधि सभाले वास्तवमा जनताका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल मंगल दिन नयाँ सरकारक विश्वासक मत लेबामे अपना विश्वस्त रहल बतौलन। ओ बीतल किछु महिनामे देश नया परिवर्तन चाहने आ परिवर्तनक रूपमे नया पार्टी आ नया सांसद सभक उदय भेल बतौलन। प्रतिनिधि सभाका चुनावहरू देखिहेरेका छौँ, विभिन्न देशका अभ्यासहरू हेरेका छौँ, हामीले अमेरिकी संसदका सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हेरेका छौँ, भारतको लोकसभा राज्यसभा हेरेका छौँ, उसको हाउस अफ लर्ड र कमन्स हेरेका छौँ बेलायतको, यी सबै हामीलाई थाहा छ। विभिन्न देशका संसदीय अभ्यासहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसकारण हामी आफू नयाँ छौँ भनेर हामीले नयाँ अभ्यास थाल्ने होइन। अब हामीले नयाँ भर्खर जन्मिएका कलिला छौँ नि हामी, त्यसकारण हामीले साइन्स पनि नयाँ गर्नुपर्छ होइन, अरूले सिकेका कुराहरू अरूले विकास गरेका कुराहरूबाट अगाडि बढ्नुपर्छ।
साइंस होस् टेक्नोलॉजी होस्। अध्यक्ष ओली ई सरकार लोकतंत्र के रक्षा संवर्धन आ सुदृढ़ीकरण के लिए काज करवाक बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रक शासन व्यवस्था सुदृढ़ीकरण आजुक आवश्यकता रहल बतौलन अछि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा के पहिल बैसार में ओ एना बतौलन। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के शासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए संविधान सुरक्षा संविधानक भावना अनुसार कानून कर आवश्यक रहल बतौलन। ओ संविधान कानून करवाक लेल बहुत नीति आ कानून निर्माण कर बाकी रहल सेहो बतौलन। यो पुलिसबाट पनि जनता धेरै अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रो आपसी यात्रा माध्यम र गन्तव्य स्पष्ट हुन जरुरी छ। सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा। सभापति देउवा अगिला पाँच वर्षमे जनताके विश्वासमे ठेस लाग नै देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ नेपाली काङ्ग्रेस जनताके अपेक्षा आ पार्टीके कार्यकर्ता सभक भावना अनुसार काज करबाक सेहो बतौने छलथि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत देशक लेल गणतंत्र नया विषय नहीं रहल बतौलन अछि। सोम दिन संसद में पहिल बेर संबोधन करबाक क्रम में वैज्ञानिक समेत रहल डॉक्टर राउत मधेसी के हाथ से छीनल गेल गणतंत्र पुनर्स्थापना मात्र भेल स्पष्ट कलन। ओ नेपाल खास कक मधेसक लेल गणतंत्र नया प्रणाली नहीं रहल आ परापूर्व काल में मधेस संग रहल गणतंत्र छीनल गेल आ एकर पुनर्स्थापना मात्र कयल गेल बतौलन। पक्कै पनि नौलो अनुभूति भइराखेको छ र खास गरी जुन ठाउँमा कुनै बेला मेरो नाम मात्रै लिन पनि निषेध गरिएको थियो त्यो ठाउँमा आज आफै उभिएर बोल्न पाउँदाखेरि पक्कै पनि यसले एउटा नयाँ अनुभूति दिइराखेको छ र यो अवसर प्रदान गर्नका लागि म लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अभिमतलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस अवसरमा यो देश बनाउनका लागि शहादत दिनुभएका सम्पूर्ण शहीदहरूलाई र खास गरी हाम्रा साथी जुन हिरासतमै मारिएका थिए वीर शहीद राम मनोहर यादवलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र यो देश निर्माणका क्रममा प्रयोग भएका केवल तलवारका धारहरू मात्रै होइन कि विशेषनगरजीका सियो समेतलाई म यहाँ सम्झिन चाहन्छु र आज यहाँ जनमत पार्टीको तर्फबाट उभिन लाग्दाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट यो यसभन्दा अगाडि प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको नेता स्वर्गीय श्री गजेन्द्र नारायण सिंह तथा निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री उपेन्द्र यादवजीलाई पनि स्मरण म गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भन्नुभयो नयाँ दलहरूको आगमनलाई स्वागत पनि गर्नुभयो र भन्नुभयो कि उहाँहरूसँग आवेग पनि छ हामीसँग आवेग मात्र होइन हाम्रा अग्रजहरूप्रति सम्मान पनि छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहन म उहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु र हामीभित्र देखिएको आवेग त्यो जनताभित्र रहेको परिवर्तनको आकाङ्क्षा मात्रै हो त्यसलाई हामी ऊर्जाको रूपमा परिवर्तन गर्न सकौँ र सकारात्मक परिवर्तन यो देशमै ल्याउन सकौँ भनेर आशा र विश्वासका साथ नै म यहाँ उभिएको छु आएको छु र यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न जुन हाम्रा अग्रजहरूले भूमिका खेल्नुभयो विभिन्न आन्दोलन गर्नुभयो त्यसको लागि हामी अनुग्रहित छौँ र त्यो विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थाहरूमा मध्ये गणिने सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई
रक्षा गर्नको लागि जनमत पार्टी पनि हर हमेसा तत्पर रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँबाट जाहेर गर्न चाहन्छु। र संहिताको सवालमा वही समय में मधेश में बज्जी गणतंत्र कपिलवस्तु गणतंत्र कोलियो गणतंत्र सब रहल हुनक तर्क छल। चुनाव में टिकट पौलो पर राजा सब संग भेंट होब नहीं पेबाक आ समय से नहीं भेट रहल आ अखन आबिक सहज भेल से ओ बतौलन अछि। यो देश को अखंडता को लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईं समक्ष उभिएको छु। त्यही भएर यो सरकारले संहितालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु। त्यसका साथै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जहाँसम्म कुरा छ यो देशको लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था नलो सर्वथा होइन। जति बेला विश्वले गणतन्त्र बुझेको पनि थिएन प्लेटोले गणतन्त्र लेखेको पनि थिएन त्यति बेलासम्म भनौँ न ईसापूर्व छैठौँ सातौँ शताब्दीमा पनि मधेसमा गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो। हामीसँग वज्जी गणतन्त्र थियो कपिलवस्तु गणतन्त्र थियो कोलीय गणतन्त्र थियो त्यो गणतन्त्र। डाक्टर राउत प्रधानमन्त्री प्रचण्डके सोम दिनके मन्तव्यपर नयाँ पार्टीमे आवेग देखल गेल कहल गेल टिप्पणीपर संकेत करैत संसदमे आयल नयाँ पार्टीमे आवेग रहल कहैत अग्रजके सम्मान करबाक आचरण सेहो नयाँ पार्टीमे रहल कहिकऽ निश्चिन्त होबसियो आग्रह केने छलथि। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीके अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ कांग्रेस एमाले आ माओवादी जेहन बड़का दलक कार्यकर्ता नहि भेल भरमे रेशम चौधरी उपर झूठ मुद्दा लगौने बतौलन अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में ओ एना बतौलन ओ रेशम चौधरी सहित निर्दोष थारू सबके झूठा मुद्दा में कारागार में राख नहीं मिलबाक बतौलन। ओ थारू भेले के कारण रेशम चौधरी लगात के थारू सबके मुद्दा लगौने कहत सरकार संग आपत्ति जनौलन। रेशम चौधरी घटना भइरहँदा 21 किलोमिटर टाढा लम्की चिसापानीको टावरको सम्पर्कमा थिए तर सभाध्यक्ष महोदय रेशम चौधरीलाई किन मुद्दा लगाइयो कांग्रेस एमाले माओवादी जस्ता ठूला राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभएकै कारण झुटा मुद्दा लगाइयो र मलाई लाग्छ थारू भएकै कारण रेशम चौधरी लगायतका आज कारागारमा हुनुभएका सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई मुद्दा लगाइएर यो राज्यले 5 वर्षदेखि थुनेर राखेको छ। सभाध्यक्ष महोदय रेशम चौधरीले अनि निर्दोष थारूहरूले के मागेको थियो र हामी यो देशका भूमिपुत्र हौ हामीलाई पनि थारू हुनुको परिचय देऊ भनेका होइनन् र आफ्नै देशमा आफ्नै सँग पहिचानको अस्तित्व। अध्यक्ष श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतके लाल आयोगके प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक लेल भेल फैसलाके प्रतिलिपि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखके बुझौने छलथि। ओ बड़का राजनीतिक दलक शीर्ष नेता सब रेशम चौधरी निर्दोष भेल कहि चुकलासँ अपना न्यायके आश कयने सेहो बताने छलथि। नेपाली काङ्ग्रेसक सांसद प्रदीप पौडेल अखनके व्यवस्थासँ राष्ट्रीय सहमति के सरकारक परिकल्पना नहि केने बतौलन अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार बाद संचारकर्मी संग बात करैत ओ एना बतौलन ओ अखन संविधानक सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष के परिकल्पना कयलासँ राष्ट्रीय सहमति के सरकार बनबाक अवस्था नहि रहल बतौलन। ओ नेपाली काङ्ग्रेसक लेल प्रतिपक्षक भूमिका अवसर रहलासँ ई अवसर के सही सदुपयोग कयल जेबाक सेहो बतौलन। सांसद पौडेल काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष में रहिकऽ जनता के समस्या उजागर कऽ कऽ संसद के प्रभावकारी बनेबाक समेत बतौलन। अझ बढी आशा गर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ त्यसैले म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बसेर चाहिँ संसदमा भूमिका गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छु। मतलब यस्तो व्यवस्थामा सहमतिको सरकार भन्ने हुँदैन। यो व्यवस्था भनेको सत्ता हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ यो दुवै संसदमा आवश्यक हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सरकार बहुमत पुर्याउनेले निर्माण गर्छ प्रतिपक्ष बेन्चमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने संसदलाई प्रभावकारी बनाउने गरी प्रतिपक्षले काम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो व्यवस्था यो व्यवस्थाको जुन सांसद पौडेल सोम दिनको बैसाडमै शीर्ष नेता सब सुशासन कायम गर्वाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलासँ अगिला दिनमे अइ काजमे लाग प्रयास हेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। राष्ट्रिय जनमोर्चाके अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी अखनके राजनीतिक संस्कृतिसँ संहिताके बचाव नहि सकबाक बतौलन अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभाके बैसाडमे ओ एना बतौलनि
अध्यक्ष केसी देश में उद्योग कारखाना खोलल जेबाक ठाव में भेल काल कारखाना के सेहो निजीकरण कला से समस्या उत्पन्न भ रहल बतौलन। अखन देश में मंत्री सांसद बनबा कारखाना खोलबा काज भ रहल सेहो बतौलन। ओ राजनीति पार्टी सब प्रति नेता सांसद मंत्री सब प्रति जनता के आस्था नहीं रहल सेहो बतौलन। संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था आएपछि नेपाल स्विट्जरल्यान्ड हुन्छ भनेर संविधान बनाउनको बहुत धेरैले पानी खाँदै चाहिँ वकालत गर्दै मैले सुनेको थिएँ। भयो त त्यस्तो? देशमा उद्योग कल कारखाना खोल्न नपर्ने भएका सार्वजनिक चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दा त म निजीकरण गर्ने व्यक्तिलाई दिने कारखाना यो सङ्घीय प्रणाली अनुसार खोलेको के को भन्दा मन्त्रीहरूको सांसदहरूको ल भन्नुहोस् त देशमा चाहिँ मन्त्रीको सङ्ख्या बढी भयो भने सांसदको सङ्ख्या बढी भयो भने त्यो देशको अर्थतन्त्रले धान्छ। अध्यक्ष केसी न्यायालयसँग लऽ कऽ सब क्षेत्रमे राजनीति हावी भेल कहैत सबै बात नै सुधारला धरि देशक विकास करऽ नै सकबाक बतौलनि। ओ नेपालमे घुस खेबाक आ भ्रष्टाचार करबाक नैतिक अधिकार जहन भऽ चुकल सेहो टिप्पणी कयने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के महासचिव एवं राष्ट्रीय सभा सदस्य बेदुराम भूषाल वर्तमान सरकार द्वारा संकट में रहल अर्थतंत्र के सही दिशा में आनल जेबाक बतौलन। सोम दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैसार में भूषाल बीतल समय में प्रतिपक्ष में बैस कर उठौने मुद्दा के संबोधन वर्तमान सरकार कैला पर भऽ जेबाक बतौलन। ओ सरकार के अर्थतंत्र के लय में आन कृषि क्षेत्र ऊपर ध्यान देव सुझाव दिलन। भूषाल अखन कृषि क्षेत्र सबसे प्रभावित रहल बतौलन। ओ किसान उत्पादन केने धान सरकार द्वारा खरीद कैल जेबाक सेहो बतौलन। लोकतन्त्रलाई बचाएको छ। गएको समयमा प्रतिनिधि सभाको विगतकालको समयमा पटक पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई मास्न खोजिएको आशंका पैदा भएको थियो, जसका बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरेका छौँ। भूषाल उखक अखन धरि सरकार मोल तोक नहीं सकल कहैत तत्काल मोल तोक मांग कने छलथि। नेकपा एमाले के राष्ट्रीय सभा सदस्य देवेंद्र दहाल निर्वाचन आगा गठबंधन करबाक प्रवृत्ति निक भेल बतौलन। सोम दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैसार में दहाल गठबंधन सफल बन से सेहो निर्वाचन आगा गठबंधन से नेपाली कांग्रेस के मात्र फायदा पुगबाक बतौलन। ओ नेपाल में वामपंथी दल सबक एकता नहीं टिकलो पर सहकारी टिकबाक अवस्था देखल गेल सेहो बतौलन। ओ वर्तमान सरकार नया पुरान सभी किसिम के राजनीतिक दल सबक प्रतिनिधित्व रहल बतौने छले। पछिको पहिलो बैठक बस्दै छ, यस अवसरमा म सर्वप्रथम त केही स्थानमा उठेको छ। मलाई विश्वास छ यो सरकारले यी विषयहरूलाई महसुस गर्नेछ र त्यसै अनुसारका काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनेछ। प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनापछि अब मुलुकले काँचुली फेर्ने भयो, अर्थात् मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने भयो, जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने भयो, मुलुकमै औद्योगिकरण हुँदै रोजगारी सिर्जना हुने भयो र वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिनु पर्ने कुराबाट मुक्ति हुने भयो भनेर आम जनतामा आशा पलाएको थियो। तर यसबिचमा जे जस्ता हरकत र हटकन्डाहरू भए त्यसबाट जनताहरू निराश भएका छन्। के यो सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिनेछ? यो पनि प्रश्नै उठेको छ। मलाई लाग्छ यो सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनेछ र दिनु। ओ संसदद्वारा कानून निर्माण करबाक भेलो पर कानून निर्माण प्राथमिकतामे नै पड़ल बतौने छलथि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल देश आ जनता स्थिरता आ सुशासन के पक्ष में काज केनाई के कोनो विकल्प नहीं रहल बतौलन। सोम दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में सरकारक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ समस्या सब रहलो पर वही के नियंत्रण क लऽ जेबाक बात में प्रति
पद रहल बतौलन। ओ देश में आर्थिक रूप में किछ समस्या भेलो पर आर्थिक संकट आ देश संकट में नहीं रहल बतौलन। प्रधानमंत्री दहाल अगला एक महीना में न्यूनतम साझा कार्यक्रम मंत्रालय में आनबाक लेल कार्य योजना प्रस्तुत कर मंत्रालय के सचिव सबके निर्देशन दिलन। कतिपयले मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मैले नियुक्ति लिएर शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ कतै चाहिँ घेरामा हुने हो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था कति हुने होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाएँ मैले। हाम्रो सिस्टम हामीले बनाएको संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। उसलाई कसैको प्रभाव घेरा दबाबमा चल्न हाम्रो संविधानले हामीले बनाएका ऐन कानुन र मान्यताले छुट दिएको छैन। त्यस्तो पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुनै किसिमले अर्कै ढङ्गले चर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। तर प्रधानमन्त्री दबाबमा या निरीय भएर बस्ने कुराको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल जनता समाजवादी पार्टी सेहो अपन सरकारके विश्वासक मत देबाक जानकारी देने बताउने छलैथ। जनकपुर धाम स्थित काव्य अस्पताल के लापरवाही से एक महिला के मृत्यु भेल परिवार जनक आरोप रहल छै। जनकपुर धाम वड़ा नंबर 21 कुर्था के 26 वर्षक रिंकू शाह के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल कहित परिवारजन अस्पताल में प्रदर्शन कलक। गर्भवती रिंकू के जुड़वा बच्चा रहला से शल्यक्रिया क के बच्चा निकालल गेल छल। रिंकू नियमित काव्य अस्पताल के डॉक्टर सोनिया सिंह से फ्लोप जांच समेत करबैत आबि रहल छल। रिंकू के पेट दर्द भेला बाद रवि दिन भिनसर काव्य अस्पताल पहुँचाओल गेल छल। वही दिन बेड़िया में रिंकू जुड़ुआ बच्चा के जन्म देने छल। शल्यक्रिया बाद बच्चा आ माई के अवस्था ठीक रहल डॉक्टर सिंह अपना के बतौने रिंकू के श्रीमान अमित के दावी है। बाद में रिंकू के अत्यधिक रक्तस्राव भेल कहित अस्पताल खून चढ़ाव कहने छल। खून सेहो चढ़ाओल गेल छल। रक्तस्राव नहीं रुकल बाद बच्चादानी हटाओल जेबा कह के डॉक्टर सिंह अमित के कहने छल। रिंकू के बच्चादानी हटा कर NICU में शिफ्ट कैल गेल छल। बाद में रिंकू के मृत्यु भेल अस्पताल जानकारी करौने अमितक कथन है। शल्यक्रिया में चिकित्सक से लापरवाही भेल आ वही से रिंकू के मृत्यु भेल अमित के आरोप है। एम्हर अस्पताल रिंकू में अचानक श्वास प्रश्वास में समस्या देखल गेल आ ऑपरेशन बाद इलाजक क्रम में मृत्यु भेल जनौलक। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल सरकारक न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सेहो मजबूत आर्थिक विकास आ अर्थतंत्रक सबलीकरण के प्रमुख एजेंडा के रूप में आगा घुसकौने बतौलन। सोमदिन काठमांडू में आयोजित ग्लोबल IME बैंक आ बैंक ऑफ काठमांडू बीच के एकीकृत कारोबार शुरू भेल अवसर में ओ एना बतौलन। ओ सरकारक न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सुशासन प्रभावकारी भूमिका प्रवाह समृद्धि के अभियान में बाधक रहल नीति ऐन आ संरचना बदलवाक बात अंतर्निहित निकाय समन्वय के प्रभावकारी व्यवस्था आ अनुगमन करवाक लगात के कार्यक्रम समावेश कैल गेल बतौलन। प्रधानमंत्री दहाल वित्तीय मौद्रिक पूंजी बाजार सहकारी बीमा आ निजी कंपनी के निकाय सब बीच आवश्यक समन्वय क निजी क्षेत्रक लगानी प्रवर्धन कर आवश्यक नीतिगत संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार करवाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कैलन। गतिशीलताका सम्वाहक हुन्। ब्याङ्किङ क्षेत्रको विस्तार र सुदृढीकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्न सकियो भने ऋण तथा लगानीका स्रोतमा पहुँच बढेसँगै अर्थतन्त्रलाई गति मिल्नेछ र आम नागरिक र व्यवसायहरूको उत्थानशीलता समेत बढ्नेछ। हामी सुशासन कायम गर्दै उच्च विकासतर्फ समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहँदा यसको निमित्त परिचालन हुन सक्ने निक्षेप बाहेकको स्रोत पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थतन्त्रकै गतिशील बनाव वित्तीय औद्योगिक आ मौद्रिक नीतिकै सन्तुलित कार्यान्वयन करबाक आ अर्थतन्त्रमे देखल गेल समस्या समाधान गर निजी क्षेत्र सबसँग सहकार्यके वस्तुपरक रूपमे घनीभूत करेबाक निर्णय भ चुकल बतौलन। नेपाल सरकारक मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी निजी क्षेत्र हतोत्साहित हेबाक अवस्था नहीं रहल बतौलन। सोमदिन काठमांडू में भेल ग्लोबल IME बैंक आ बैंक ऑफ काठमांडू बीच एकीकृत कारोबार शुरू भेल कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ देशक अर्थतंत्र निरंतर सकारात्मक बनित गेला से निजी क्षेत्र द्वारा लगानी करबाक लेल चिंता नहीं लेल जेबाक बतौलन। मुख्य सचिव बैरागी पछिला समय अर्थतंत्र में सकारात्मकता देखल गेल समेत बतौलन। अघि प्रवक्ता साथीहरुले पनि त्यो कुराहरु राखिसक्नु भएको छ। निजी क्षेत्र अहिले हतोत्साही हुनुपर्ने त्यस्तो भयावह स्थिति छैन।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि साथ दिइआएको छ र दिने पनि छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको निर्णय नै निजी मुख्य सचिव बैरागी निजी क्षेत्र सब एकजुट भएर काज कैलापर लगानी करबाक बातमे सोचल जेहन परिणाम प्राप्त हेबाक सेहो बताउने छलथि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था सभक मर्जर से वित्तीय मध्यस्थता लागत घटित गेल बतौलन। सोम दिन से ग्लोबल आईएमई बैंक आ बैंक ऑफ काठमांडू के एकीकृत कारोबार शुरू भेल अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। ओ बैंक वित्तीय संस्था सब मर्जर भेला पर वित्तीय प्रणाली और सुरक्षित आ संस्था सब स्वस्थ बनबाक बतौलन। ओ बैंक तथा वित्तीय संस्था सब द्वारा छोट कर्जा के प्राथमिकता देल जेबाक सेहो बतौलन। एक दशक को डेटा हेर्दा 247 संस्था मर्ज भइसकेका छन्। ती 247 संस्थाहरू मर्ज भएर जम्मा 68 संस्थाहरू मात्र कायम भएका छन् भन्नुको अर्थ झन्नै झन्नै 250 संस्थाहरूको डिलाइसेन्सिङ भएको छ, लाइसेन्स खारेज भएको छ। त्यति सङ्ख्यामा सिइओहरू हट्नु भएको छ, त्यसको 7 गुणा डाइरेक्टरहरू हट्नु भएको छ। भन्नुको अर्थ अल्टिमेटली समग्र वित्तीय मध्यस्थताको लागत पनि घट्दै गएको छ। अब यो भइराख्दाखेरि सिस्टमले अर्थतन्त्रले खोजिरहेको विषय चाहिँ गभर्नर अधिकारी बैंक मर्जरमे अहि वर्ष निक उपलब्धि भ रहल छ बतौलनि छ। ग्लोबल आईएमई बैंक के अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल ग्लोबल आईएमई बैंक राष्ट्र बैंक के मर्जर नीति के लीडर बैंक भेल बतौलनि छ। सोम दिन ग्लोबल आईएमई बैंक अफ काठमांडू संघ के मर्जर बाद एकीकृत कारोबार उद्घाटन कार्यक्रम में अध्यक्ष ढकाल राष्ट्र से बैंक मर्जर के नीति घोषणा कैला बाद मर्जर के नीति के कार्यान्वयन में आने वाला ग्लोबल आईएमई बैंक लीडर बैंक भेल दावी कलन। ओ नेपाली बैंकिंग क्षेत्र के लिए ई दिन ऐतिहासिक दिन भेल सेहो बतौलन। यो मर्जर समेत गरेर हालसम्म 5 वटा वाणिज्य बैंक 10 वटा चाहिँ विकास बैंक र 6 वटा फाइनान्स कम्पनी गरेर कुल 21 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर आज 21 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत अध्यक्ष ढकाल ग्लोबल आईएमई बैंक कुल पूँजी निक्षेप कर्जा शाखा संचालक के आधार में देशक बड़का बैंक भेल सेहो बतौलन। अध्यक्ष ढकाल ग्लोबल आईएमई बैंक नेपालक बैंकिंग क्षेत्र में कुल बजार हिस्सा करीब 10% समेटा वाला बैंक बनल बताने छलथि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकार विकास खर्च नै बढ़ोला धरि अर्थतंत्र चलायमान बन नै सकबाक बतौलन। सोम दिन काठमांडू भेल ग्लोबल आईएमई बैंक आ बैंक ऑफ काठमांडू बीच के एकीकृत कारोबार शुरू भेल उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। अध्यक्ष गोल्छा नेपालक अर्थतंत्र चुनौतीपूर्ण रहल कहित आर्थिक स्थिति के सुधार करित जाय आवश्यक रहल बतौलन। अहिले राजस्व नाटकीय रूपमा घटेको छ, रोजगारी लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन्। अहिले मुद्रास्फीति पनि अहिले 8-9% पुगेको छ। त्यस्तै गरेर तरलताको अभावमा व्यापारहरू एकदमै संकुचनमा आएको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि गिरेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले अगाडि बढ्ने पनि यसमा केही सुधारका संकेतहरू पनि देखिएका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि रेमिटेन्स अध्यक्ष गोल्छा निजी क्षेत्रकै लगानी मैत्री वातावरण नै बनौला धरि देशमे समृद्धि सम्भव नै रहल बताउने छलथि। वैदेशिक रोजगारीके सिलसिलामे मलेसियामे मृत्यु भेल एक नेपालीके पार्थिव शरीरके उद्धार कऽ कऽ स्वदेश भेजल गेल अछि। जनमत पार्टीके मलेसिया स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन गैर आवासीय मधेसी संघ 12 के सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 के दीपेश कुमार शाह के पार्थिव शरीर उद्धार कऽ कऽ नेपाल भेजना अछि। जनमत पार्टी के भातृ संगठन के प्रयास आ नेपाली दूतावास के समन्वय में उद्धार कयल गेल अछि। संघ के अध्यक्ष शम्भुनाथ शाह, सदस्य सुनील यादव, संघ के मलेशिया के केंद्रीय कोषाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष आनंद कुमार राय आ उपाध्यक्ष उदय कुमार पासवान सहित प्रयास कयने छल। अबंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से जसपा मधेश प्रदेश संसदीय दलक नेता में सरोज कुमार यादव सर्वसम्मत चयन। सुशासन आ समृद्धि के लिए सजिया प्रतिबद्धता सब पूरा कर सब दल के एक ठामे ठाड़ हो प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान।
देशक अर्थतंत्र गंभीर अवस्था में रहल एमाले अध्यक्ष ओली के कथन राजस्व उपयुक्त तरीका से नहीं उठल कहब। गणतंत्र देशक लेल नया विषय नहीं भेल जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत कथन गणतंत्र के पुनर्स्थापना मात्र भेल जिकिर। आ ग्लोबल आईएमई बैंक आ बैंक ऑफ काठमांडू बीच एकीकृत कारोबार शुरू समृद्धि के अभियान में बाधक रहल नीति बदलवाक प्रधानमंत्री के कथन। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।